नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में, एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो जो है ये भरण पोषण के टॉपिक पर है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तो हम सभी जानते हैं कि महिला जो है धारा 125 CRPC के तहत भरण पोषण का दावा कर देती है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें कि किसी पुरुष की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती, हर महीने फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। जब कभी भी कोई भरण पोषण का केस चल रहा हो तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि अभी लगभग 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा का एक जजमेंट दिया था। रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें बोली हैं, ठीक है। उसमें एक बात ये भी बोली है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोली गई है कि भरण पोषण जो है वो पति के ऊपर सजा के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि वो पति के लिए सजा बन जाए। रजनीश वर्सेस नेहा का जो केस है उसमें एक तरह का एफिडेविट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने देने की बात कही है, और अब जो है वो एफिडेविट डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो या 125 का केस हो CRPC का, इन सभी मामलों में वो एफिडेविट अब दिया जा रहा है, ठीक। तो पहली बात ये कि उस एफिडेविट को आप बड़े ध्यान से भरें। उस एफिडेविट में काफ़ी बातें रहती हैं, जैसे कि आपके माता पिता आप पर आश्रित हैं, इनके अलावा कोई आश्रित है, इनको कोई बीमारी है आपके माता पिता को, इसका क्या खर्च है, आपका बैंक लोन वगैरह कितना क्या है, एक एक जानकारी को आप ठीक से भरें। इसके अलावा दोस्तों, इसमें एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी NGO को या किसी सामाजिक संगठन जो कि समाज सेवा के कार्य कर रहा है उसका भी इसमें जिक्र कर सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि मैं इस सामाजिक संगठन को या इस NGO को हर महीने इतना पैसा स्वेच्छा से दान करता हूँ। ये आप उन कोर्ट में दिखा सकते हैं। कई संगठन हमारे देश में हैं, जैसे कि कई संगठन ऐसे हैं जो अनाथ बच्चों के लिए चल रहे हैं, सरकारी संगठन भी हैं, गैर सरकारी संगठन भी हैं, कई पर्यावरण बचाने के लिए चल रहे हैं, कई बच्चों को शिक्षा देने के लिए, मुफ्त शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, कई गरीबों को खाना देने के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा करके आप उसमें वो भी शो कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि उस एफिडेविट को आप बड़े ध्यान से भरें और उसमें वही चीज़ डालें जिसको आप कोर्ट में साबित कर सकते हैं, क्योंकि आप उसमें डालते तो हैं लेकिन कई बार कोर्ट में साबित नहीं कर पाते हैं। क्लियरली उसमें वो चीज़ डालें। सेकेंड थिंग, उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट भी लगाना पड़ता है। तो बैंक स्टेटमेंट आप जो हैं, अब ये तो सीधी सी बात है कि आजकल बहुत सारे बैंक अकाउंट होते हैं लोगों के, तो आप ऐसा ही बैंक स्टेटमेंट लगाएं जो आपके हित में हो। इससे ज़्यादा तो मैं ये वाली बात इस वीडियो में नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ही बैंक स्टेटमेंट आप यूज़ करें। एक और बात कहना चाहूँगा कि आपकी शादी हो जाती है तो अपनी पत्नी को ये कभी मत ना बताएं कि आपके कितने बैंक अकाउंट हैं, आपका आधार नंबर वगैरह, आपका पैन कार्ड वगैरह। ये सबसे बड़ी गलती होती है आप लोगों की, और यही जो है बाद में भारी पड़ती है। ये बात हम अक्सर कई लोगों से कहते रहते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों को क्यों समझ में नहीं आता है। ये ऐसा क्यों करते हैं लोग, जो लड़का होता है, लड़के वाले ऐसा क्यों कर देते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। आप पूरी उल्टी कर देते हैं उसके आगे, मेरा यहाँ बैंक अकाउंट है, मेरा वहाँ बैंक अकाउंट है, उसमें इतना पैसा है, इसमें इतना पैसा है, वहाँ पर प्रॉपर्टी है, ये है वो है। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि आपकी वाइफ को जब पूरा सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि इतने प्रॉपर्टी उसके पास है, और वो लालची महिला होती है, सीधी सी बात है वो जो है वो फिर इन्हीं सब को ध्यान में रख के आप पर दावा ठोकती है। वो 50 लाख भी अगर मांग रही है तो इस मंशा से मांग रही है कि 50 नहीं तो 25 तो मिलेगा। वो 1 करोड़ मांग रही है तो इस सोच के साथ मांग रही है, 1 करोड़ ना मिले 40 लाख मिल जाएगा, 50 लाख मिल जाएगा। ये चीज़ें जो हैं ये आपकी वाइफ के लिए अननोन होनी चाहिए।
लेकिन यही गलतियां अक्सर लड़के कर जाते हैं, ये गलती ना किया करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। खासकर ऐसे लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं और जिनकी शादी नहीं हुई है, और ऐसे लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं और जिनको डाउट है कि उनके ऊपर ऐसा मुकदमा लगने वाला है या लग सकता है, तो इन बातों का ध्यान रखा करें। और आपके ऊपर कोई और डिपेंडेंट हो, आपकी बहन हो गई, कोई और हो गया, उसका जिक्र भी आप रजनीश वर्सेस नेहा एफिडेविट में आपको करना है, और हर चीज़ को बाद में जज के सामने टोटली उसको क्लियर करना है कि ऐसा ऐसा हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, ठीक है। तो जब आप ये सब करेंगे उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपके फेवर में जजमेंट आएगा, और हर चीज़ को आपको वहाँ पर बहुत ही शिद्दत के साथ और बहुत ही जोर देकर उठाना है जज के सामने। वरना आए दिन ऐसे मामले सुनने को मिल रहे हैं कि पति की सैलरी 20,000 रुपये है और उस पर मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया है 15,000 रुपये, क्योंकि पत्नी जो साबित करने में बैठी है। आप 20,000 बताएंगे, पत्नी कहती है कि नहीं, इनकी सैलरी 50,000 है। आपको उसी को चैलेंज करना है, उसी को गलत साबित करना है, तब कहीं जाकर आपके फेवर में बात बनेगी, ये चीज़ ध्यान रखें। इसके बाद जैसा मैंने कहा कि हर महीने कंडीशन जो है किसी भी इंसान की अलग अलग होती है, फाइनेंशियल कंडीशन हर महीने की अलग रहती है, तो कभी भी ऐसा फील आता है कि अब जो है जो भरण पोषण में दे रहा हूँ उतना नहीं दे सकता, तो धारा 127 CRPC का सहारा आप ले सकते हैं, उसमें भरण पोषण में चेंजेस आ जाते हैं। साथ में इस चीज़ पर भी थोड़ी नज़र आपको रखनी पड़ेगी कि वाइफ जो है वो आपकी कहीं जॉब कर रही है या नहीं। मालूम पड़ा जब भरण पोषण ले रही थी तब नौकरी नहीं करती थी, लेकिन बाद में करने लग गई है, वो चीज़ आप बाद में धारा 127 के अंतर्गत दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बातें मेरी आपकी समझ में आई होंगी। जब भी शादी करें कभी भी राज ना उगलें। हमारे भारत की पुरानी परंपरा रही है, चाणक्य ने कहा है कि स्त्री को कोई भी राज नहीं बताना चाहिए, कभी भी इन चीज़ों को ना बोले। और आज की तारीख में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज़माना कितना ख़राब है हम सभी जानते हैं, एक तरफा कानून बने हुए हैं, और उसके बाद फिर हम अगर सब चीज़ उसको बता देंगे तो ये तो आप खुद ही अपने लिए कब्र खोद रहे हैं। तो मेरी ये बातें हमेशा के लिए गांठ बांध लें, ठीक है, वरना क्या होगा कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो हैं ये बड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बढ़ने का एक ही मात्र कारण है कि कहीं ना कहीं ये बात जग जाहिर है आज की तारीख में कि जो ये कानून बने हुए हैं ये सब महिलाओं के फेवर में है, और ये बात महिलाओं को अच्छे से पता चल चुकी है। तो वो ये सोचती हैं कि बस पति मेरे हिसाब से रहा ठीक, वरना तलाक लूँगी, मोटी रकम लूँगी और नया शिकार ढूंढूंगी। तो ये बात जो है ये धीरे धीरे फैलती जा रही है। आज ऐसा कोई वकील नहीं जिसके पास मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के मामले ना हो। अधिकतर वकीलों के पास सबसे ज़्यादा मामले मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के ही हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में भले किसी का घर टूटता हो, लेकिन वकीलों के घर बस गए कहना पड़ेगा। वकीलों ने इन डिस्प्यूट के माध्यम से इतना पैसा कमाया है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। डाइवोर्स मैटर्स हो या फिर मेंटेनेंस के मैटर्स हो या म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हो या 498 वगैरह, 99% केसों में कंप्रोमाइज़ हो रहा है, मोटी रकम ली जा रही है। वकील साहब उस मोटी रकम में अपना 10%, 20%, 25% जहाँ जैसा गणित बैठ जाए इतना पैसा ले लेते हैं। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो है भले वो किसी का घर तोड़ रहे हैं, लेकिन इन डिस्प्यूट्स के कारण कई वकीलों ने महल खड़े कर दिए। वो बहुत हैरान करने वाली बातें हैं ये। ये बात सही है कि इसका मिसयूज ही होता है 99%, लेकिन ये भी सही है कि लड़कों को क्या समझाया जाए ये समझ में नहीं आता। जो लड़के होते हैं वो
हर चीज अपनी बीवी को ऐसे इस तरीके से बता देते हैं जैसे पत्नी ना मिली हो, साक्षात कोई स्वर्ग से अप्सरा उतर के आ गई हो। अगर आप अपनी पत्नी को तलाक के बाद या फिर जो भी आपका डिस्प्यूट चल रहा है उसमें अगर आपका अच्छा खासा खर्चा हो रहा है और बाद में आप लाखों रुपए खर्च करके मामले को सेटल कर रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा, गलती आपकी है। गलती आपकी है कि आपने इतना कुछ आपने कैसे बता दिया अपनी वाइफ को कि मैं हम इतने पैसे वाले हैं, क्यों बताया आपने, क्या ज़रूरत थी। कुछ चीज़ तो है जो हम छुपा नहीं सकते, लेकिन काफ़ी कुछ है जो हम छुपा सकते हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया, ये गलती आपकी ही तो है। तो सीधी सी बात है कि जब आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए ऐसे भविष्य के लिए कि जब वो आपसे अलग होगी तो वो बहुत बड़ा हिस्सा लेके जाएगी। उसको सब पता है कि पति के कहाँ कहाँ अकाउंट हैं, ससुर जी के कहाँ कहाँ अकाउंट हैं, अकाउंट में कितना बैलेंस है। ये बेहद चौंकाने वाली चीज़ें होती हैं आजकल, ऐसा तो पहले नहीं होता था। गांव के लोग अनपढ़ होते थे लेकिन कभी भी राज की बातें वो अपने बीवी से शेयर नहीं करते थे। करते भी तो तब करते थे जब शादी के कई साल बीत जाते थे, 10 साल 15 साल, वो उसमें भी तब जब उनको लगता था कि हाँ अब जो मेरी पत्नी है जो मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ। और शहर का पढ़ा लिखा मूर्ख, इतना बड़ा मूर्ख होता है कि हर चीज़ वो अपनी वाइफ को बता देता है और बाद में वाइफ सब लेके उड़ जाती है, रफू चक्कर हो जाती है। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें, ये गलतियाँ ही आपको ख़त्म कर रही हैं। इन्हीं गलतियों के कारण ही सबसे कई बार तो ऐसा लगता है कि जो लड़के हैं पुरुष हैं दिखावा इतना ज़्यादा कर देते हैं पत्नी के पत्नी को कि वो सोचती है कि इतनी बड़ी रकम अगर मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो भाड़ में गया पति, वो उस रकम के चक्कर में दुनिया भर के केस आप पे लगाती है। आप इतना दिखावा करते ही क्यों हैं, हनीमून में आप ले जाते हैं और भयंकर खर्चा करते हैं। जो ट्रेंड बना हुआ है ना लड़कों में, ये बहुत ही इमैच्योरिटी का बहुत बड़ा एग्जांपल है। क्योंकि आजकल के अधिकतर लड़के जो भी पढ़े लिखे हैं सब कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़ के निकलते हैं, सोचने समझने की क्षमता आज का लड़का और लड़की दोनों में नहीं है, नैतिकता अनैतिकता का डिफरेंस करने की क्षमता नहीं है, सही क्या है गलत क्या है इसको पहचानने की क्षमता नहीं है। इतनी सारी कमियां आज के लड़के लड़कियों दोनों में हैं और यही कारण है कि आजकल ये सब जो है ये काफ़ी बढ़ता जा रहा है। आप किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो आप उसके दीवाने हो जाते हैं, आप ये नहीं सोचते कि ये लड़की मेरे घर लायक ही नहीं है। बात खूबसूरत या बदसूरत की नहीं है, बात ये है कि आप सोचते हैं कि मैं इसको लाऊंगा, शादी करूंगा, एंजॉय करूंगा, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि ये घर परिवार के लायक ही नहीं है। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया है कि पुलिस वाली और वकील लड़कियों की शादियों में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, इनसे कोई शादी नहीं करता। तो सीधी सी बात है कि कोई इनसे शादी क्यों करेगा। कोई महिला अगर पुलिस में है तो पत्नी की क्या ड्यूटी निभा सकती है, पत्नी का कोई कर्तव्य वो नहीं निभा सकती। तो वो 8 से 10 घंटे नौकरी करेगी तो घर पे आके वो काम तो करेगी नहीं, और जो भी पत्नी के या बहू के कर्तव्य है उसका पालन तो करना नहीं है उसको, तो कोई उससे शादी क्यों करेगा। वो कोई महिला अगर वकील है तो उससे तो फिर दूरी बना के रखना ही अच्छा है, क्योंकि वो वकील है, भले उसको वकालत ना आती हो लेकिन उसको अपने मतलब के सभी कानूनों का ज्ञान है। तो किसी वकील महिला से भी कोई शादी क्यों करेगा। तो लोग अपनी जगह सही हैं, लोग गलत नहीं हैं, भले कहने वाले कुछ भी कहें कि संकीर्ण मानसिकता है, महिला विरोधी सोच है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन लोग अपनी जगह सही हैं। लेकिन उसमें भी कई गंवार मिल जाते हैं जो शादी कर लेते हैं पुलिस वाली से, महिला वकील से, और उसके परिणाम बड़े भयानक होते हैं। आप जितनी महिला पुलिस वालियाँ हैं अगर आप देखेंगे तो, अब मैं खुल के नहीं बोल सकता सार्वजनिक तौर पर, लेकिन हालत बड़ी ख़राब है महिला वकीलों की, महिला पुलिस वालियों को भी अधिकतर डाइवोर्स मिलेंगी या फिर कई अनमैरिड मिलेंगी। तो और कई ऐसी हैं जिन्होंने पतियों पर झूठे केस लगाए हुए हैं। कई बार जज साहब कह देते हैं कि महिला है तो 2 स्टार, लेकिन अपने पति पर ही उसने दहेज का केस लगा के रखा हुआ है।
इस चीज़ पर यकीन करना मुश्किल है। कई बार अदालतों ने कहा है कि ये तो यकीन करने से परे इस तरह के केस। तो सीधी सी बात है कि थोड़ा मैच्योर बने, मैच्योरिटी दिखाएं। आजकल अधिकतर मामले इसलिए भी चल रहे हैं कोर्टों में क्योंकि लड़का हो या लड़की दोनों में मैच्योरिटी लेवल है ही नहीं। ना लड़की ये समझती है कि मैं पत्नी हूँ तो मैं पत्नी बन के रहूँ, मेरी ड्यूटी है भाई। मूछें कितनी भी बड़ी हो जाए नाक के ऊपर तो नहीं जा सकती, नाक से बढ़ के नाक के ऊपर तो नहीं हो सकती कितनी बड़ी हो जाए। मगर महिलाओं का एक घटिया माइंडसेट सबसे बड़ी समस्या है और लड़कों की इमैच्योरिटी जो ये समझ ही नहीं पाते कि लड़की कौन सी मेरे लायक है और कौन सी नहीं है। लड़कों की इमैच्योरिटी कहीं ना कहीं ख़त्म कर रही है उनको। पहले दीवाने हो जाते हैं और बाद में परवाने हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इनसे बचिए, अन्यथा क्या होगा कि आने वाले समय में तो और भी बुरा वक्त आने वाला है अगर इन चीज़ों पर लगाम नहीं लगाई गई तो। और जितने भी मतलब पेरेंट्स है जिनकी औलाद कोई बेटा है तो उसको थोड़ा अच्छे से ही संभाल के पाला उसका पालन पोषण करें, क्योंकि ये फिल्मी दुनिया हो गई, आज की चकाचौंध हो गई, ये आपको जानवर बना रही है। जानवर से गए बीते हो गया इंसान, वो समझ ही नहीं पाता क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे शादी करना है, कौन मेरे लायक है ना। मैं हमने तो कई मतलब 99% लड़के हमने ऐसे देखे हैं जो शादी करने तो जा रहा है मगर उसको ये नहीं पता है कि उसके खिलाफ़ क्या क्या मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। उसको ये चीज़ पता ही नहीं है, उसको लगता है कि मैं शादी कर लूँगा, पत्नी सती सावित्री बन करेगी, मेरी लाइफ बन गई। ऐसा मतलब ये सोच इसलिए है क्योंकि उन्हें कुछ बताया ही नहीं जाता। वो एक गुलाम की तरह स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई जो उनके किसी काम नहीं आती। फिर कॉलेज में पढ़ाई कर लेते हैं, कहीं नौकरी कर ली या बाप दादा का कोई बिजनेस है वो संभालना शुरू कर दिया, शादी कर ली, और जब फंसते हैं तब कहते हैं अरे बाप रे हमारे देश में ऐसे कानून बने हुए हैं। तो जनाब ऐसे कानून जब बन रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे, तब तुम्हारे बाप दादा क्या कर रहे थे, ये भी तो पूछ लेते एक बार। आज भी तो आए दिन उल्टे पुल्टे कानून हमारे देश में आ रहे हैं, कितने लोग इसका विरोध करते हैं, कोई नहीं करता इसका विरोध। हम सब अपने मतलब से मतलब रखने वाले लोग हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई गाज गिरती है तब हमको लगता है कोई चमत्कार हो जाए, भगवान ज़मीन पर उतर आए, हमारा काम हो जाए। इंडियंस की सबसे बड़ी समस्या यही है, इसीलिए इस देश में इस तरह की घटिया घटिया कानून बने हुए हैं। इसका सबसे मेन कारण यही है। आपके कुछ भी भले कुछ भी बोल रहे हैं आप, लेकिन ये रियलिटी है। जो लोग मुझे सुन भी रहे हैं ना, उनमें से भी शायद ही कोई होगा जो किसी गलत चीज़ का समय समय पर विरोध करता रहा है। विरोध जैसा भी आप कर सकते हैं कीजिए, जो भी आपकी क्षमता रही कोई नहीं करता, सबके पास बहाने हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, समाज में एक नपुंसकता व्याप्त है और इसका सॉल्यूशन क्या है भगवान ही जाने। तो उम्मीद है कि जो हमने कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ प्रिकॉशन बताए हैं, ये आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन वगैरह है तो हम उसको इनबॉक्स में देख लेंगे, उसका आंसर वगैरह आपको दे देंगे। तब तक के लिए वो दोस्तों